जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं आपको 10,000 रुपए दे के जाऊंगा, पक्का 10,000 रुपए, आपकी कसम, आपकी कसम। हाँ, मेरे नाम है बेटा पायल। पायल तो बोले, पायल दी दिखा रहती है आप तो आ जाने। हाँ ठीक है, मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर होंगे ना, मैं उस दिन आपको 10,000 रुपए दे के जाऊंगा, पक्का भाई। नहीं, स्क्रेच हो जाएंगे, स्क्रेच महंगी है ये, स्क्रेच हो जाएंगे, स्क्रेच मारूंगा, स्क्रेच। तो भाई लेट्स गो। और ये रहा हमारे पास, कौन सा भाई है? सोनी M4 बेसला। कितने का भाई है? हाउ मच? 3 LKH। वेलकम टू द संडे राइड विद मिस्टर कुलदीप 666। तो क्या हाल चाल है भाइयों? भाई मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे और भाई आप सभी की दिवाली काफ़ी अच्छी मनी होगी भाई। तो आज जैसा कि संडे और आज हम करने वाले हैं संडे राइड, और आज भाई मेरे साथ मेरा भाई है जिसका नाम देवेंद्र है भाई। तो आज हम दोनों राइड करने वाले हैं और ना आज वैसे भाई दूज भी है भाई, तो आज चलते हैं। रोड पर काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है भाई, और बने रहिएगा आज की संडे राइड में, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है भाई। तो चलते हैं एक अच्छी सी राइड के लिए। तो चलो बॉस, आज आपको भी राइड करवाते हैं, आप तो बहुत पैसा वाले हो, सो गोल्ड की चेन है आपके पास, मेरे साथ राइड करोगे? नहीं, चलो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा है भाई, गोल्ड की चेन पहनते हो, बड़ी सी गाड़ी है तुम्हारे पास, चलो घुमा के लाते हैं तुम्हें, देखो घुमा के लाते हैं, चलो इधर देखो, इधर चलो भाई, इन्हें घुमा के लाते, चलो ये लो भाई, हमारा बॉस घूमने के लिए जा रहा है भाई, इसे पता चलेगा ना बड़ा होने के बाद, इसका चाचा सेलिब्रिटी है भाई। ओ चल रहा है भाई, ये ना एक लड़की है लेकिन इसके शौक लड़कों वाले है भाई, इसको ना बाइक पसंद है, इसको बाइक पे घूमना पसंद है। चलो अभी घर चलते, मम्मा के पास चलेंगे, तुम्हें दादी बुला रही है ना, चलो बेटा, दादी बोलो, दादी चलो। एक तो यार ये बच्चे वगैरह बैठे होते ना तो भाई बाइक भी नहीं घूमती, दिक्कत आती है, अब डर इसका लगता ही गिर जाए। लेकिन तेरा चाचा सेलिब्रिटी बेटा, तेरे को स्कूल लेके चलेंगे हम मर्सिडीज में भाई, चलो। ओ भाई हेलमेट की लग गई इसके, ठीक है जा रहा हूँ मैं, जाने दो बाय 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 बाय। और बाय। नहीं, स्क्रैच हो जाएंगे, स्क्रैच महंगी है ये, स्क्रैच हो जाएंगे, स्क्रैच मारूंगा, स्क्रैच ये दे दो मेरे को, दे दो भाई। वैसे तो आज भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है क्योंकि आज भाई दूज है भाई, तो जितने भी भाई है भाई वो अपनी बहनों से मिलने के लिए जाते हैं आज के दिन। और भाई पुराने रीति रिवाज कभी मत भूलो भाई, जैसे कि लोग ना दिन ब दिन भूलते जा रहे हैं कि वो कौन है क्या है। अब मैं खैर जब गांव में रहता था भाई तो हम बहुत ज़्यादा मज़े करते थे भाई, हम गोवर्धन में पटाखे जलाते थे भाई, जो गोबर का गोवर्धन होता है भाई उसके अंदर जैसे पूजा करके निकलती थी ना औरतें, उसके अंदर सूतली बम डाल देते थे हम, और वो ऐसे फटता था कि हर जगह गोबर ही गोबर हो जाता था भाई, इतने मज़े करते थे भाई। उसी गोवर्धन में से अगरबत्ती उठा ली भाई पटाखे जलाने के लिए और उसी को फोड़ दिया फिर बाद में। चल भाई, पुलिस वालों का भी क्या ही है ना यार, धूप के अंदर बेचारे परेशान होते हैं, कोई छुट्टी वगैरह नहीं है इनकी, छुट्टी वगैरह कुछ भी नहीं रहती, और धूप के अंदर फिर परेशान भी हो जाते हैं ना यार, इसलिए इन लोगों को भी गुस्सा वगैरह आ जाता है भाई। तुम देखते हो ना कि हर किसी का बिहेवियर इतना मतलब रूड होता है, वही कारण यही होता है भाई, सुबह शाम ठीक रहता है लेकिन दिन में धूप में परेशान हो जाते हैं, तुम्हें पता है सब। अरे दीदी हैप्पी भाई दूज, कैमरा है क्या आपके पास खुले? ये है पूरा दरवाजा, मालिक ये है पैसा, आपको बताऊं क्या? दीदी आप एक बात सुनो, मेरी बात सुनो दीदी, मैं आप ना एक बार ऐसे बोल दो कि जब मेरे 1,00,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, मैं आपको 10,000 रुपए दे के जाऊंगा, पक्का 10,000 रुपए, आपकी कसम, आपकी कसम। हाँ आप कहाँ रहते हो दीदी? अच्छा क्या नाम है आपका, अगर मैं किसी से पूछूं कभी? मेरा नाम है पायल। पायल तो बोले, पायल दी दिखा रहती है
ठीक है, मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे ना, मैं उस दिन आपको 10,000 रुपए दे के जाऊंगा, पक्का कसम से, ये मेरी जुबान है, मेरा हाँ ना 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 ना, मैं मेरी जुबान है, सारी जगह जगह नंबर बांट दूंगी, सभी लाइक करें। ठीक है दीदी, हैप्पी दिवाली। भाई जिस दिन मेरे हो गए ना 1 लाख सब्सक्राइबर, जल्द से जल्द, अभी दीदी ने मेरे को दुआ दी है भाई, मैं कसम से इनको 10,000 रुपए दे के जाऊंगा भाई, देखना। असला हम भी रखते हैं प्रधान है, क्या कहो था काटू के पूरे काटू गोली काटू तेरे काट दे, और अपनी अपनी गाड़ी कितने है फॉर्चुनर का है, तो यह क्या कर रहा है तू फाटक क्यों घूमने असला। ठीक है भाई, सो भाई लोग फिलहाल तो भाई जा रहे हैं हम कहीं घूमने के लिए, और देख रहे हैं भाई कोई अच्छी सी जगह भाई आ जाए ना, मतलब कोई फोटो शूट वगैरह भी करना है भाई, हमने दिवाली को किया नहीं था इसीलिए अब कर लेते हैं भाई, फोटो तो खिंचवानी है, दिवाली को खिंचवाओ या दिन में खिंचवाओ क्या फ़र्क पड़ता है भाई, तो चलते हैं भाई मजे से। और आज ये मेरे साथ ही आया हुआ भाई, जो कि स्प्लेंडर से राइड करता था, आज ये मेरे साथ ही कर रहा है भाई, क्योंकि इसके पापा वो गाँव ले गए भाई, क्या करें यार, हर किसी के मिडिल क्लास में है ना भाई दिक्कत आ ही जाती है, मिडिल क्लास फैमिली भाई वो है ना यार। और ये देखो गाइस, जैसा कि तुम लोगों को पता है भाई, आज दिलजीत पाजी भाई जयपुर आए हुए हैं, और काफ़ी ज़्यादा मतलब कल भाई हमने देखा था वो हमारे नारगढ़ पे भी आए थे भाई, और कल उन्होंने स्टोरी डाली, मतलब हर दिन मतलब वो सूरज के साथ भाई, तो काफ़ी मज़ा आया भाई देख के कि वो यहाँ पर है, और काफ़ी लोग पागल भी है भाई उनको देख कर, क्योंकि मतलब सोचा नहीं था कभी उन्हें आंखों से देख पाएंगे, मतलब मैंने तो नहीं देखा अभी तक, और क्या पता अब शो है भाई आज उनका, और टिकट बहुत ज़्यादा महंगी है, तो वो औकात से बाहर की टिकट है भाई, लेकिन एक ना एक दिन ले लेंगे भाई, ऐसा कुछ है नहीं, एक दिन ज़रूर ले लेंगे भाई, उनकी टिकट भी ले लेंगे हम, उनसे भी मिल लेंगे भाई। वैसे आज हम ना दूर जा रहे हैं थोड़ा घर से, और अभी भाई बोल रहा था कि यार थोड़ा दूर चलते हैं अच्छी जगह पे, क्योंकि हमें ना फोटो शूट करना भाई, कैमरा वगैरह लेके आया भाई घर से। और ये देखो भाई, ये पेंटिंग्स वगैरह देखो भाई तुम, कितनी प्यारी बनाई हुई है यार, ये देखो कितनी खूबसूरत है ना भाई, मज़ा खतरनाक है भाई, क्या ये वो कर रहे हैं कमर का दर्द मिटा रहे हैं ये भाई। तुम एक बार इस सड़क को देखो ठीक है, और एक बार इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक भूसा है या ZX10R है या S1000RR है भाई, और तुम इसी रोड पर लेके जा रहे हो उसे एक टायर पे ठीक है, और तुम्हें तुम्हारी लिमिट नहीं पता, और ऊपर 2-2 फिट के कैमरे लगे हुए हैं ठीक है, और तुम्हारे घर चालान आता है ठीक है, तुम्हारे घर चालान आता है, तुम्हारा बाप देखता है कि उसकी औलाद एक टायर पे गाड़ी को लेके जा रही थी ठीक है, और फोटो भी आता है बाकायदा, बोले ये गाड़ी को इस तरह लेके गया था, तो सोचो भाई वो क्या मूवमेंट होगा तुम्हारी लाइफ का, जिस दिन तुम्हारे बाप को भी पता चल जाएगी मेरा बेटा एक टायर पे गाड़ी चलाता भाई। पूछते हैं एक बार भाई, वैसे फ़ोटो शूट के लिए अच्छी जगह ये, इसको पूछ लेते हैं गाड़ी वगैरह का लगाएं जल्दी, इधर से निकल जाएगी वापस जाएँ, और जैसे थोड़ी देर के लिए वहाँ लगा दे तो वो 3 मोटरसाइकिल खड़े वहाँ लगा दो, भाई थोड़ी सी देरी तो रुकना है अपने को, जब तक वहाँ लगा देते हैं क्या दिक्कत है, नहीं चलो यहाँ लगा देते हैं भाई ठीक है वैसे तो। सो भाई लेट्स गो, और ये रहा हमारे पास, कौन सा भाई है, सोनी M4 DSLR, कितने का भाई है, हाउ मच, 3 LKH तो यार ये हेलमेट है भाई मेरे पास, बैग बैग भी कैरी करके घूम रहा हूँ मैं भाई अपने को घूम के चलना है इससे पीछे ठीक है, टाइम लैप्स निकाल दूँ क्या भाई, ठीक है कैमरा मैन बढ़िया सी फोटो खींचना भाई ठीक है, और शादी में अच्छा ऑर्डर दूंगा आपको ठीक है, काम बहुत अच्छा करता है, चेहरा देख लो लड़के का ठीक है, तो भाई अभी फोटो वगैरह खिंचवाते हैं यहाँ पर देखते हैं और कैसा क्या, उसके बाद निकलते हैं हम यहाँ से, पहले तू मेरी खींच फिर मैं तेरी खींचूँगा भाई ठीक है, तो इसको यहाँ रख लो,
ठीक है भाई रेडी। सो गाइस फाइनली फोटो वगैरह शूट कर लिया भाई हमने और मैंने ना थोड़े से कपड़े उतार दिए। वैसे भाई साहब कौन सा पाजी आया है वहाँ पे, क्या नाम है उसका? अरे नाम बता दो यार एक बार। भाई साहब आप बहुत मस्त आदमी हो, ये जो भाई साहब है ना बहुत मस्त आदमी है, मतलब बढ़िया है। ऐसे हरियाणा से आयो, कहाँ से आयो तुम? जयपुर से। जयपुर से? जयपुर से आओ आप तो। किसको देख रहे हो? और दिलजीत? दिलजीत तो इधर है। किधर है दिलजीत? उस साइड। हमें भी नहीं पता कहाँ हो रहा है, हमें भी नहीं पता कहाँ शो कर रहा है वो। तुम दिलजीत को देखने नहीं आए, इसको देखने आए हो? इसको देखने आए। दिलजीत को देखने नहीं आए? उसको देखने आए तो उधर ऐसे ऐसे बोल रहे थे लोग, बाकी इसको इसको देख के आए। अच्छा देखने आए भाई, ये दिलजीत को देखने नहीं आए, ये इसको देखने आया, बताओ। तो ये दिलजीत से ज्यादा फेमस है क्या भाई ये? सो भाई लोग हम तो जा रहे हैं भाई यहाँ से, कर लिया फोटोशूट, अब और कहीं जगह देखेंगे भाई चल के और बैठते वगैरह भाई। और काश दिलजीत पाजी का शो देखने को मिल जाए भाई। भाई वैसे देखने से तो ये भी खूबसूरत ही दिखता है यार, नहीं ऐसा बोलते हैं? पता नहीं भाई, ओपनिंग करी थी, ऐसा बोलते हैं कि शाहरुख खान का है भाई। नहीं बोलते थे पहले, लेकिन शायद तक उसने ओपनिंग करी थी भाई इसकी। अब कुछ भी हो सकता है भाई, लेकिन ये लगता काफ़ी खूबसूरत है भाई, कुछ भी कहो मज़ेदार है भाई ये। मतलब यहाँ कितनी भी बार आ जाओ, ये मतलब ऐसा है कि गजब भाई। लेकिन थोड़े टाइम में गंदी हो जाती है, कोई साफ करने भी नहीं आता इनको। ये देख बिल्ली कितनी प्यारी लग रही है, कितनी पेंटिंग बना दो फिर भी मूंद के चले ही जाते हैं भाई यहाँ तो। कितना ही अच्छा कर लो भाई तुम किसी चीज़ को सुधारने की कितनी ही कोशिश कर लो, लेकिन वो चीज़ें ख़राब हो ही जाती है। ठुक गई क्या? ठोक दे, ले ले आगे, ले ले इधर से, ले ले इधर से वापस सीधा, आराम से लेना आराम से। ओ भाई ठुकी गई। अल्टो का तो कुछ ही नहीं बिगड़ा भाई, अपाची गई। बताओ भाई, कभी कभी कंटेंट की सोचते हैं ना तो भाई कंटेंट मिल ही जाता है, ऐसी बात नहीं है। लो लो ट्रैफिक लग रहा है, वैसे अल्टो तो बच गई भाई, अल्टो में यार पावर तो है भाई। अपाची का आगे का मरघाट टूट गया अपाची का। हाँ क्या पता भाई, ये पीछे से आ रहे थे, ये रोक लिया शायद तक, ये रोकेगा यार वो भी तो क्रॉस करने से पहले। कोई नहीं चलो भाई, यही होता है जब तुम जंगल काट देते हो ना तो ये चीज़ें ऐसे आने लगती है। ये नील गाय है ना, है ना भाई, यही होता है देख जंगल कटने पे। भाई ये बहुत गंदा मारती है, और ये मेल है भाई, ये मेल है, ये देखो रोड़ों पे सरेआम घूम रहा भाई ये। पर यही होता है भाई, जंगल कट गए ना तो वन नष्ट करोगे तो ये तुम्हारे घरों में आएंगे भाई, वरना ये देखने को नहीं मिलता, ये सिर्फ गांव के खेतों में ही देखने को मिलता है भाई। तो भाई लोग फिलहाल तो शाम हो चुकी है यार, और अभी घर के लिए निकल रहे हैं हम, निकल लेते हैं पहले ट्रैफिक लग जाएगा नहीं तो। सो है गाइस फिलहाल तो भाई रात हो चुकी है और अभी हम हमारे घर पे आ चुके हैं, और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30, और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैं घर पे आया था भाई। तो सबसे पहले तो भाई कि सुबह घर से निकलते हैं और शाम को फिर सही सलामत घर पर आते हैं या अच्छी तरीके से घर आते हैं, तो उसके लिए भाई भगवान का शुक्रिया बहुत बहुत, और मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए और इतनी ज़्यादा खुशी देने के लिए भाई, क्योंकि शायद तक मैं अब वो बन चुका हूँ जो मैं बनना चाहता था या मेरी फैमिली चाहती थी भाई, और मैं वैसा हूँ। ठीक है, मैं काफ़ी अच्छा हूँ भाई, पहले से काफ़ी अच्छा हूँ भाई, और सब कुछ बदल चुका है, लाइफ पूरी चेंज हो चुकी है। और भाई काफ़ी अच्छा लगता है भाई कि सुबह घर से निकलो और शाम को बहुत आ रहे हो, तो हर रोज़ भगवान का शुक्रिया करना चाहिए भाई।
सो गाइस आज की वीडियो इतनी थी भाई, यानी कि आज का ब्लॉग इतना ही था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये ब्लॉग इन्जॉय किया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जो है अभी अंधेरा, इसे इग्नोर करना थोड़ा सा, क्योंकि ये हमेशा नहीं रहेगा भाई।